अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं जलेबी। इसके लिए हमें कुछ अशिया चाहिए, वो ये है मैदा 1 कप, ऑल पर्पज़ फ्लावर 1 कप, चीनी 2 कप, कॉर्न स्टार्च 2 टेबल स्पून, दही 2 टेबल स्पून, ईस्ट 1 टीस्पून, इलायची पाउडर 1 पिंच, रोज़ वाटर 2 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, फूड कलर 1 पिंच और पानी 3/4 कप, चीनी 1 टेबल स्पून। चीनी हमें आटे में डालने के लिए चाहिए और अलग से चाहिए शीरा बनाने के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने। हम इसमें डालेंगे पहले मैदा, ईस्ट, दही और ये इलायची पाउडर, चीनी, इसे अच्छा सा मिक्स कर दें। और थोड़ा सा कलर जाएगा, और पानी हल्का गर्म लेंगे, थोड़ा सा बचा लें। देखें अभी काफ़ी गाढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए हमारा बटर। थोड़ा सा कलर मैंने और डाला है। ये देखें बिल्कुल सही है ये। अब हम इसे 3 घंटे के लिए रख देंगे किसी गर्म जगह, ताकि ईस्ट थोड़ा सा फूल जाए। और फिर इस बोतल में डाल के हम जलेबी बनाएंगे। ये हमारा रेडी है। अब हमें 3 से 4 घंटे इसको छोड़ना है। देखिए नाज़रीन, ये हमने इसमें डाल दिया है, जो हमने जलेबी का वो बनाया आटा पतला किया था इसमें डाल दिया है। ये हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और यहाँ हमने 2 कप चीनी लिए थे और 1 कप पानी, उसका हमने शीरा बना लिया। ये देखें एक तार है और इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डाला था और इलायची पाउडर 1 चुटकी। बना के मैंने अच्छी तरह इसको पका लिया है, ये रेडी है। और अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। ऐसे जलेबी बना लेंगे और आँच बहुत तेज नहीं रखना है वरना खराब हो जाएगी हमारी जलेबी।
करके इसको एक तरफ से हो जाए तो पलट लीजिएगा। ये हमारा हो गया है, अब हम इसे खीरे में डाल देंगे। खीरे में 20 से 30 सेकंड डालना है, फिर इसको निकाल लेंगे। देखिए ये हमने निकाल लिया शीरे से, अब हम और बनाएंगे इसी तरह। चट्टा ज़्यादा गर्म हो गया है, ऑयल को हम थोड़ा सा मीडियम आंच पे रखेंगे वरना हमारी सारी जलेबी खराब हो जाएगी। देखे एक कप मैदे में कितनी सारी बन गई है, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की है, खस्ता है। ये देखे इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी, आप भी ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज।